जी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो रीडिंग में टाइप्स होती हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। देखें, रीडिंग के अंदर हमारे पास कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं, 11 किसी टाइप्स होती हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, यस नो, नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, सिंगल, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, और उसके बाद फॉर्म फिलिंग होता है, सेंटेंस मैचिंग होता है, पैराग्राफ मैचिंग, सेंटेंस नेम मैचिंग, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये सारी हो गई। अब इसके आपके पास ना एक रैंडम पेपर आता है, ठीक है? उस पेपर में समझो कि आप रियल एग्जाम में बैठे हुए, आपके पास पेपर आता है, आपको रीडिंग आती है नहीं आती है, जस्ट ये वो पॉइंट्स हैं मोटे मोटे जो आपने अप्लाई करने हैं, वो कैसे करने हैं। आपने ये जो मेंशन यहाँ पर टाइप्स हैं जिसको हमने फर्दर कैटेगराइज कर लिया है इजी में और टफ में, इनको हाईलाइट कर लेना है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पेपर में एक आई है जो सेकंड नंबर पे है, ट्रू फॉल्स। फिर जो फर्स्ट पे आई हुई है वो आई हुई है हमारे पास ये सेंटेंस मैचिंग। अभी सेंटेंस मैचिंग ना थोड़ा टफ है, क्यों टफ है, आसान ही टफ इसलिए कि ये आसानी से इनके सवाल नहीं जवाब नहीं निकलेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। तो अब आपने क्या करना है इसके लिए, जस्ट आपने सिंपल ये करना है कि जो आसान है उनको करना है। अब देखिए, हमने कैटेगराइज कर लिया कि आसान कौन कौन से टास्क है हमारे पास, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, इट इज वेरी सिंपल। तो अब इधर ही से स्टार्ट लेते हैं। देखिए, अब क्या होंगे, टेक्निक्स कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इसको पूरे के पूरे पैराग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे, इनको पढ़ने लगेंगे। लेकिन अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। हमारा करने का जो तरीका है वो वेरी सिंपल। वेरी सिंपल कैसे, आप आएंगे, आपने क्या करना है, पहले सवाल में कीवर्ड को हाईलाइट करना है। देखिए, पहले टॉपिक पढ़ेंगे क्या है, द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा, जितना भी ये पैराग्राफ लिखा हुआ है जस्ट ऑल अबाउट द ड्रामा, ठीक है? किसी इस ऑक्सफोर्ड स्कूल का ये में ड्रामा कोई हो रहा है, फंक्शन हो रहा है ड्रामा बेसिकली। अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखें आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि अब सवाल देखें। अच्छा, दूसरी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बतानी थी कि कुछ मोटी मोटी बातें जैसे जैसे मुझे याद आती जाएंगी मैं आपको इधर बताता जाऊंगा। अब हम जो टाइप वन पढ़ रहे हैं, टाइप वन ऑफ रीडिंग मॉड्यूल, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं, टू फॉल्स नॉट गिवन। हाँ जी, टू फॉल्स नॉट गिवन पढ़ रहे हैं, टू फॉल्स नॉट गिवन अब ये पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर ना कुछ टिप्स हैं, टिप्स किस हवाले से हैं, टिप्स इस हवाले से हैं कि एक तो ये आएंगे सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक ऑर्डर के अंदर आएंगे, ऑर्डर के अंदर मतलब कि आपने अगर एक सवाल ढूंढ लिया है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके नीचे ही आएगा, ठीक है? बात फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने एक सवाल ढूंढ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके नीचे ही आएगा, उसी उसके बाद आएगा, इसे कहते हैं सीक्वेंस। तो ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, इट फॉलोज सीक्वेंस, ठीक है? अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। जस्ट आपने यहाँ पर आना है और अपना कीवर्ड हाईलाइट करना है। कहते हैं स्टूडेंट्स कैन बिगिन द न्यू ईयर। अब ये न्यू ईयर कोर्स एक आपका कीवर्ड है, न्यू ईयर कोर्स, ठीक है, विदाउट एनी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिंग। कहते हैं स्टूडेंट जो है कैन ब्रिंग कैन बिगिन, स्टार्ट कर सकते हैं अपने नए साल के कोर्स को बगैर किसी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिंग के। देखिए, मिसाल के तौर पे एक स्कूल है, ठीक है, पाकिस्तान में एक स्कूल है, ऑक्सफोर्ड लेवल का है, उसमें ड्रामे की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ म्यूजिक हो गया, वहाँ पे म्यूजिक की क्लासेस दी जाएंगी। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ डांस हो गया तो वहाँ पे डांस की क्लासेस दी जाएंगी। अपना हर जगह की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इफ यू वॉन्ट टू टेक क्लासेस फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट यू हैव टू पास आवर प्री एंट्री रिक्विजिट, कोई टेस्ट है उसको आपने पास करना है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैन बिगिन द न्यू ईयर, कि जो नया साल है वो स्टार्ट कर सकते हैं बगैर किसी एक्टिंग हिस्ट्री के। अब देखें, कहते हैं वन ईयर एक्टिंग कोर्स, ये देखिए वन ईयर आ गया और यहाँ पर भी वन ईयर कोर्स है। अब ये वन ईयर कोर्स है, ठीक है, आपका मेन कीवर्ड है, इसका मतलब आंसर आपका ए इज वाली जगह पे है। कहते हैं दिस इज एन इंटेंसिव कोर्स, अब कोर्स भी आ गया, देखिए आपका कीवर्ड कोर्स भी आ गया। कहते हैं विच ए डिजाइन, ये डिजाइन किया गया है फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर एकेडमिक स्टडीज, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए किया गया है जिन्होंने अपनी एकेडमिक स्टडीज को क्या किया है, मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद कहते हैं एंड हैव सम थिएटर और फिल्म एक्सपीरियंस ऑलरेडी।
बताएं क्या हुआ, गलत हो गया? गलत कैसे हुआ? देखो, आपका सवाल है कि बगैर किसी प्रीवियस हिस्ट्री के, बगैर किसी प्रीवियस हिस्ट्री के हम आपको एडमिशन देते हैं अपने स्कूल में, लेकिन यहाँ पे बात की है कि एंड हैव सम के, मतलब जो इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, एक तो उसने अपनी एकेडमिक स्टडीज को कम्प्लीट किया हो, दूसरा ये थिएटर और फिल्म का एक्सपीरियंस भी उसके पास हो। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया, सही नहीं है। एक जगह वो बात करें आपका, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कंटेंट के अंदर हमें वो बात कर रहे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज़ का, थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि ये सारा का सारा ड्रामा ड्रामा फिल्म से रिलेटेड है, थिएटर वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ये जो 8 आंसर है, इट इज रॉन्ग। अब ये जो है, ये आपका जो फर्स्ट होगा, सॉरी फर्स्ट नहीं होगा, ये आपका होगा जी 8। अभी जो आपका 8 क्वेश्चन होगा, इट विल बी फॉल्स, क्योंकि फॉल्स आया होगा, सही है। ये फॉल्स कैसे हो गया? देखो, यस आपने खुद ही अभी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ये बात। अच्छा, दूसरी तरफ जाते हैं, कहते हैं स्टूडेंट्स, अभी ये पोर्शन एक पैराग्राफ में से निकला है, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में से निकला है, नेक्स्ट इसी ही के बाद आएगा। कहते हैं स्टूडेंट्स विल एक्ट इन अ परफॉर्मेंस, कहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ करना पड़ेगा परफॉर्मेंस में इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स। अब यहाँ पे जो मेन कीवर्ड्स हैं आपके, परफॉर्मेंस है क्लासमेट्स, कि क्लासमेट्स के सामने इन्हें कुछ करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म। कहते हैं जैसे ही फर्स्ट टर्म कंप्लीट होगी, स्टूडेंट्स को क्लास के सामने परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी पुट एन एग्जाम्पल, आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, ठीक है, आपका 1 साल कंप्लीट होता है। अब आप फर्स्ट ईयर में, फॉर एग्जाम्पल आप 9th में थे, अब आपका 9th कम्प्लीट हुआ, आप 10th में चले गए। अब 9th के जो बच्चे आपके स्कूल में आएंगे, अब उनके लिए कोई फंक्शन अरेंज होता है, तो जाहिर बात है वो तो न्यू कमर्स हैं, अब आप ही लोग उनको वेलकम करोगे, तो एक फंक्शन कोई ड्रामा अरेंज हुआ हुआ है। इसी ही तरह इन्होंने बात की है कि स्टूडेंट्स विल एक्ट इन अ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में करेंगे अपने क्लासमेट्स के सामने एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल के आखिर में, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब देखें, अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो, एक पैराग्राफ हो गया, इसके अंदर से दूसरा जवाब नहीं आएगा, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, एक्सेप्शनल दैट द आंसर इज इन आवर फर्स्ट पैराग्राफ, एक्सेप्शनल केसेस में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। देखिए, कहते हैं टर्म वन कौन सी है? फर्स्ट टर्म, टर्म फर्स्ट हो टर्म वन हो, दोनों के दोनों सिनोनिम है। आपके जो सवाल के अंदर जो वर्ड्स होंगे, आपके पैराग्राफ में जो वर्ड्स होंगे, वो सिनोनिमैटिक होंगे, सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। कहते फर्स्ट टर्म टेक्निकल क्लासेस इन एक्टिंग, देखिए एक्टिंग भी आ गई, क्यों? परफॉर्मेंस, जब आप परफॉर्म किसी चीज को करोगे, आप एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस जो है एक्टोरल है, वॉइस कोई स्पीच हो रही होगी, मूवमेंट हरकत, अप्लाइड मूवमेंट तो कोई स्क्रिप्टेड होगी, एंड करेक्टराइजेशन म्यूजिक सिंगिंग, सारी की सारी चीजें वो बता रहे हैं जो आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, रेडियो भी होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। द टर्म फिनिशेस विद एन इंटरनल प्रोडक्शन गिवन फॉर ट्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, नहीं समझ आई? ये देखिए, यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स विल एक्ट, कि स्टूडेंट जो हैं वो एक्ट करेंगे परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स, मतलब कि अपने क्लासमेट्स के सामने, क्लास जहां पर वो बात कर रहे हैं गिवन फॉर ट्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, बात समझ आ रही है? और एंड की बात कर रहे हैं, एंड की, आपके टर्म यस के एंड के अंदर वो बात कर रहे हैं कि आपके क्या होंगे, आपने क्लास के सामने, देखिए ना, विद एन इंटरनल प्रोडक्शन, इंटरनल प्रोडक्शन है कि इसी हॉल के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, जहां पे परफॉर्मेंस आपकी हो रही है, तो गिवन फॉर ट्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के होंगे, जारी बात है आपके क्लासमेट्स हो गए, देखिए ना, ट्यूटर्स भी बैठे होंगे और आपके स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे। तो आप मुझे बताएं, आपका इधर परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स, इधर दी जा रही प्रोडक्शन गिवन फॉर स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स, इसका मतलब कि आपके क्लासमेट्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये बात क्या हो रही है आपकी, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कैसे नहीं हो रही? देखो, आप परफॉर्म कर रहे हो स्टूडेंट्स के सामने, तो अब ये ट्रू हो रही है, ठीक है ना, समझ आई? नहीं आई? नहीं है तो मैं बता दोबारा क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म की ये बात हो रही है यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म आ गया टर्म वन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, वो कहते हैं कि फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं, मे अटेंड अ परफॉर्मेंस, कहते हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं ये परफॉर्मेंस को अटेंड कर सकते हैं
ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म वहां क्या, देखो ओके टर्म टू ऑटोमेटिकली बता रहा है कि मैं आंसर खुद बता रहा है कि मैं इस जगह पे पढ़ा हुआ हूँ। सेकेंड टर्म आ गई, अब हम उसको दोबारा बढ़ते कहते हैं फैमिली मेंबर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट जाता है, अब उसकी फैमिली है वो भी अटेंड करना चाहती है, वो ये बात हो रही है कि फैमिली मेंबर्स में अटेंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म। वो कह रहे हैं सेकेंड टर्म के दौरान भी जो स्टूडेंट्स की फैमिलीज हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकती हैं, अटेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, सेकेंड टर्म कहते हैं आल टेक्निकल क्लासेस कंटिन्यू फ्रॉम टर्म वन, फिर टर्म वन से स्टार्ट हो गई, मतलब नौ 10th के अंदर जो बच्चे हैं वो 9वीं से क्लासेस स्टार्ट हो गई, 9वीं भी पढ़ी उन्होंने फिर 10वीं में आ गई। कहते हैं देयर इज एन इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ आ वन वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले का मतलब होता है कि एक ऐसा ड्रामा जहां पे वन एक्ट प्लेइंग हो रहा होता है, कोई ड्रामा शो परफॉर्मेंस है ये भी, ठीक है। द रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑडियो शोरल एट अ प्रोफेशनल स्टूडियो एंड द शो केस ड्रामा इन फ्रंट ऑफ एन इनवाइटेड ऑडियंस, ठीक है, इनवाइटेड ऑडियंस इंक्लूडिंग कास्टिंग ऑडियंस डायरेक्टर्स एंड एजेंट्स। अब देखिए, अब इधर उन्होंने क्या, इनवाइटेड ऑडियंस, इनवाइटेड ऑडियंस की इधर बात हुई है, तो अब इधर आप फिर कीवर्ड्स मैच करते हैं, वो फैमिली मेंबर्स करते हैं, परफॉर्मेंस भी करती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड फैमिली मेंबर्स नहीं हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि इनवाइटेड ऑडियंस, ऑडियंस से मुराद हुई स्टूडेंट्स हो गए, फैमिलीज तो नहीं हुई ना। देखिए ना, अब आपके स्कूल के अंदर एक फंक्शन होता है, आपके बच्चे तो सारी बात आए, स्टूडेंट्स हैं वो तो सारी बात है अटेंड करेंगे, अब हम उन्हें कहेंगे ये जो ऑडियंस है ये अटेंड कर रही है, अब उस ऑडियंस के अंदर मेरे माँ बाप क्यों होंगे कि उन्हें तो बुलाया ही नहीं गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये वाली बात जो है हुई ही नहीं है इधर, ठीक है ना। मेंबर्स नॉट का कहीं जिक्र ही नहीं, गिवन उन्होंने उसको घुमा दिया, घुमाना से क्या मुराद है, फैमिली मेंबर्स की इधर बात हुई नहीं, बाकी सारी बातें हुई है लेकिन मेन कीवर्ड नहीं हुआ। देखिए ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी आ गई, ये सेकेंड टर्म ही थी लेकिन उस टर्म के अंदर फैमिली मेंबर्स कहीं मेंशन नहीं हुए, ठीक है। अभी नॉट गिवन नॉट गिवन, क्योंकि ये बात नहीं हुई, हालांकि सब कुछ हुआ है लेकिन ये वाली जो बात है ये वाली बात ही नहीं हुई, तो जिसकी वजह नहीं। से ये हो जाता है आपका एनजी, नहीं। नॉट गिवन। आप रियल एग्जाम में भी इसे एनजी भी लिख सकते हैं, नॉट गिवन, लेकिन ये बात का ख्याल रखना है। अब आपको यहाँ पे लिखनी, आपसे उन्होंने सवाल में पूछा है, आपने इधर मेंशन किया ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, अब आप आंसर ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी शीट पे, वो तो लिख देते हैं यस नो नॉट गिवन, तो सारे के सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ये भी आपने देखना है, जो कॉल टू एक्शन जो हमें गिवन क्राइटेरिया दिया जाएगा उसके अंदर ये भी देखना है कि आप यस नो नॉट गिवन कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट 11 कहते हैं स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फेल, कहते हैं स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड कि स्टूडेंट्स को जरूरत है टू मेक अ फेल, ठीक है, ऑन देयर ओन इन द लास्ट टर्म ऑफ द कोर्स। कहते हैं स्टूडेंट्स हैं उन रिक्वायर्ड है कि उनको जरूरत पड़ती है कि उनको कहा गया उनको जरूरत पर टू मेक अ फिल्म, कि एक ना फिल्म बनाए, कोई ड्रामा तैयार करना होता है ना, रिहर्सल वगैरह है उसकी, एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, अब वो कहते हैं एक फिल्म आपने बनानी है ऑन देयर ओन, खुद से ही बनानी है, मतलब कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आपके प्रोफेसर आपकी हेल्प नहीं कर रहे होंगे, डायरेक्टर मैनेजर्स सीनियर स्टूडेंट्स हेल्प नहीं करेंगे, बाय देयर ओन खुद से ही स्टूडेंट्स ने बनानी है इन द लास्ट टर्म ऑफ द कोर्स। लास्ट टर्म कौन सी हो गई, देखिए अब ये थर्ड टर्म आ रही है, इसके बाद कहीं फोर्थ फाइव फिफ्थ नहीं, इसका मतलब ये आखिरी टर्म है, ये तो थर्ड है ना, थर्ड ये लास्ट, नहीं। अगर इधर फोर्थ होता ना तो फिर ये लास्ट ना होता, फिर ये सेकंड लास्ट हो जाता। देखिए नहीं। कौन कौन से हैं, स्टूडेंट्स को जरूरत है मेकिंग अ फिल्म बाय देयर ओन खुद से। देखिए कहते हैं टेक्निकल क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं विद एडिशनल फोकस ऑन ऑडिशन टेक्निक्स, टेक्निक्स कहते हैं वर्कशॉप्स हैं और मास्टर क्लासेस हैं। कहते हैं दिस टर्म इंक्लूड्स अ पब्लिक परफॉर्मेंस, सवाल की तरफ आई, एक फिल्म बनाने की उनको जरूरत है खुद से। कहते हैं दिस टर्म इंक्लूड, इस टर्म के अंदर इंक्लूड है कि इस जो तीसरे साल में आप पढ़ेंगे हम ये कोर्स आपको कराएंगे, ये परफॉर्मेंस आपको सिखाएंगे, डांस आपने सीख लिया, सिंगिंग आपने सीख लिया, थर्ड के अंदर हम आपको सिखाएंगे एक्टिंग करना, वो इसकी बात कर रहा है कि इस टर्म के अंदर जो शामिल है पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले, प्ले इज इक्वल टू ड्रामा, ये सिनोनिम है ड्रामे का, ठीक है। कहते हैं कि पब्लिक परफॉर्मेंस है ड्रामे की आउटडोर्स इन द ग्राउंड्स ऑफ प्लिनियम पैलेस, आउटडोर कहीं आउटडोर करें, एंड द चांस टू एक्ट अ शॉर्ट फिल्म, देखिए शॉर्ट फिल्म आ गया, देखिए कैसे जबरदस्त एक एक चीज आपको सामने नजर आ रही है। कहते हैं टू मेक अ फिल्म, इधर उन्होंने लिखा है शॉर्ट फिल्म की बात है, रिकॉर्डेड ऑन लोकेशन बाय अ प्रोफेशनल क्रू, प्रोफेशनल
उसने कहा कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आपने एक फिल्म बनानी है खुद से, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक फिल्म बनाई जाएगी प्रोफेशनल क्रू का मतलब होता है स्टाफ मेंबर्स, मतलब कि स्टाफ मेंबर्स आपकी वो फिल्म बनाएंगे, मुझे बताएं अब ये ट्रू होगा फॉल्स होगा नॉट गिवन होगा। बताएं मलाइका, देखिए ट्रू कैसे होता है, ट्रू तब होता है जब इन्होंने यहाँ पर क्या है कि आज फिल्म बनाई, तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एक तो पहली बात ये है कि उन्होंने पहले स्टूडेंट्स का जिक्र किया है और यहाँ पे पब्लिक परफॉर्मेंस है, ट्रू नहीं हो सकता। ट्रू नहीं हो सकता। और दूसरा ये, यहाँ पे इन्होंने क्या यस स्टाफ सर, फिल्म बनानी है खुद से, लेकिन यहाँ कह रहे हैं हम फिल्म बनाएंगे किसी और स्टाफ से, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है यस एक सर, फॉल्स गलत है और दूसरे में फॉल्स है, है, फॉल्स ऐसे है गलत हो गया ना। मेरी है, बात की कि आप यस मेरे सर, शूज फॉल्स है। का पेयर खरीद रहे हैं, आप जाए ब्रांड रोड पे हश पपी शॉप से, अब आप हश पपी शॉप पे चले जाओ। यस अब इसके अंदर देखिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की क्या टेक्निक्स हैं, यस सर,